every single day I'm gonna make it. Hey guys, welcome back to my channel Smile with Pooja. आज मैं बनाऊंगी नारियल पानी का शरबत। नारियल पानी के शरबत के लिए हमें चाहिए 2 नारियल, 1 टेबलस्पून चीनी और कुछ आइस क्यूब्स। पहले हम नारियल को काट के उसका पानी 1 ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। फिर नारियल से हम लोग मलाई को अलग कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 नारियल लिया है। 1 नारियल में मुझे जो मलाई है वो बहुत ही नरम मिला, और 1 जो मैंने नारियल लिया था उसमें से जो मलाई था वो थोड़ा सा सख्त था। जो थोड़ा सा हार्ड मलाई था मैं उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट रही हूँ। अगर आपका मलाई ऐसे ही है तो आप थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं देखिए 2 कटोरी में अलग अलग ली हूँ। 1 में है जो थोड़ा सा पेस्ट मलाई और 1 में है छोटा छोटा क्यूब्स। मैं 1 बोल ले रही हूँ। उस बोल में मैं 2 ग्लास नारियल का जो पानी है उसको ऐड करूँगी। उसके बाद मैं 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिला दूंगी ताकि सब अच्छे से डिसॉल्व हो जाए चीनी। इसके बाद जो नरम मलाई है आप पेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं मलाई को नारियल पानी में, और अच्छे से इसको मिला दीजिए। इसके बाद छोटे छोटे जो कटे हुए मलाई मैंने रखा था उसको भी थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ। सब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चार पांच आइस क्यूब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप जितना ठंडा खाना चाहते हैं वैसे आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिए। अब मैं सर्व करूंगी नारियल पानी के शरबत को ग्लास में। उसके बाद मैं जो कटे हुए मलाई थे उसको थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और ऊपर से मैं आइस क्यूब्स भी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा सजाने के लिए मैं यहाँ पे रोज पेटल यूज़ कर रही हूँ। देखिए, मेरा नारियल पानी का शरबत रेडी है। आप ग्लास में नहीं डाल के आप वही नारियल में भी ये नारियल पानी का शरबत ऐड करके दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ही फैंसी टाइप का दिखेगा। देखिए, मैं भी उसी नारियल में वो शरबत डाल के दिखा रही हूँ। ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाय गाइस।